हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कासगंज में शादी वाले घर में रफ्तार का कहर टूटा। शादी के बाद दुल्हन को विदा कर ले जा रहे दूल्हे की कार हादसे की शिकार हो गई। भीषण हादसे में कार में सवार दूल्हा समेत चार लोगों की मौत हो गई, वहीं दुल्हन समेत तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कासगंज के बड़ी गांव में दुल्हा विजेंद्र शाह के दुल्हन लक्ष्मी की विदाई कराकर अपने गांव नगला भोजपुरा इनोवा गाड़ी से लौट रहा था। गाड़ी में दूल्हा दुल्हन के अलावा दूल्हे के पिता और अन्य खास रिश्तेदार सवार थे। कार अभी शिवपुरा के बाजितपुर गांव के पास पहुंची थी कि इसी बीच कार चला रहे शख्स का कार पर से नियंत्रण खो जाता है और कार लहराते हुए सड़क के किनारे लगे जामुन के पेड़ से सीधे जा टकराती है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जबरदस्त टक्कर में गाड़ी के पर खच्चे उड़ जाते हैं। भीषण हादसे में कार में सवार दूल्हा विजेंद्र और उसके पिता समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसे की आवाज सुन आसपास के लोग मदद के लिए आगे आते हैं। वो तुरंत घटना की सूचना पुलिस को देते हैं। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी में सवार लोग बुरी तरह से गाड़ी में फंस कर ही रह जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन से गाड़ी को सीधा कर गाड़ी की खिड़कियों को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। घायलों में दुल्हन लक्ष्मी और उसके साथ दो और लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल युवक अजय और विकास की हालत नाजुक बनी हुई है। वही घटना से सूचना मिलते ही शादी वाले घर में मातम पसर गया है। आज शाम को एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। शिवपुरा थाना क्षेत्र में एक बारात लौट करके जा रही थी और इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसमें सात वयस्क और तीन बच्चे सवार थे और सबसे बड़ी दुर्घटना और दुखद ये रहा कि जो दूल्हा, दूल्हे के पिता, दूल्हे के बहनोई और जो ड्राइवर थे उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हुई और तीन लोग घायल हैं जिन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तीन उसमें बच्चे भी सवार थे, बच्चे तीनों पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, कासगंज, यूनिज़ यूपी।